ये है छोटा बम बड़ा धमाका। क्या आपको पता है इस ऐप से आप क्या क्या कर सकते हो? हाँ पता है। अबे साले। हाँ मुझे पता है कि आपको पता है, फिर भी इस ऐप्स की फुल डिटेल जानने में आपको एक घंटा लगेगा, वो सब मैं 5 मिनट में क्लियर कर दूंगा, तो आपका ही फायदा है ना, आपका कीमती टाइम खराब नहीं हो रहा। इस ऐप की नाम है लाइट रूम की तरह, लास्ट में रूम है फोटो रूम, और इस ऐप से आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ, बस लाइट रूम की तरह कलर ग्रेडिंग नहीं कर सकते, वो कुछ अलग बात है। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल डीपी चाहिए तो ये ऐप आपके लिए है। अगर आपकी क्रश की बर्थडे आ रहा है और एक सेकंड में आपको बर्थडे फोटो एडिटिंग करना है तो इस ऐप से कर सकते हो, और खास एकदम क्वालिटी बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इस ऐप से कर सकते हो। इस ऐप से और भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, वो भी चुटकी में, एक एक सेकंड में ये सब कर सकते हो। तो चलो मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है? तो फोटो रूम ऐप में पहले ओपन कर लेता हूँ, यही फोटो रूम ऐप है। अगर आपके पास नहीं है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो और भी एक वर्जन है वो भी आपको मिलेगा क्रोम पे, ठीक है? तो देखो कुछ इस टाइप की इंटरफेस है, इस टाइप की इंटरफेस है। एंड नीचे के साइड अगर आप जाओगे ना तो इधर आपको बहुत सारी ऐसी फोटो मिलेगा, एंड इधर आप देख सकते हो हैप्पी बर्थडे फैमिली एंड प्रोफाइल पिक्स, ये सब आपको टेम्पलेट मिल रहा है, ठीक है? इधर क्या है, अगर आप एक फोटो को अपलोड करते हो तो उसी तरह से उस फोटो को लाखों तरीकों से आपको टेम्पलेट में ऐड करके वो अलग अलग आपको फोटो एडिटिंग बना देगा, लाखों फोटो, आप मतलब देख के थक जाओगे बट खत्म नहीं होगा। तो इस ऐप में अगर आप थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग या लाइट एडजस्ट थोड़ा बहुत एडिटिंग करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इधर से आपको रिटर्स दिख रहा है, इधर आपको रिटर्स ऑप्शन दिख रहा है, इधर आप देख सकते हो, इधर बस आपको क्लिक करना है, इधर क्लिक करके आपका जो भी फोटो है वो आपको इधर ऐड कर लेना है। ओके, मैंने फोटो ऐड कर लिया, इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहा है, आपको 6 ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? इधर से आप लेयर पे क्लिक करके एंड ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके आप चाहो तो इधर से शेडो डाल सकते हो, एंड जो भी करना है ना आप एडजस्टमेंट जाकर, एडजस्ट पे जाकर इधर आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज है, ऐसे टोन आप डाल सकते हो, थोड़ा ब्लू एंड येलो सही आएगा, एंड इधर से शार्प कर सकते हो, ठीक है? ये 2-3 पॉइंट है बस, इधर इसको मैं ए में डन कर देता हूँ। डन करने के बाद ही इधर और एक ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है? इधर आपको एक बढ़िया सा ऑप्शन है, इधर कलर है, कलर पर जाकर जो फर्स्ट जो कलर है इधर से आप क्या कर सकते हो, ये थोड़ा येलो की तरफ लेकर, ठीक है, येलो की तरफ लेकर इधर से इसका ओपेसिटी जो है ना वो कम ज़्यादा करके एक टोन डाल सकते हो, ठीक है? इधर से एक टोन होता है। ओके, मैंने डन कर दिया। एंड नेक्स्ट मैंने और एक पॉइंट देखा, इधर से आप लाइट ऐड कर सकते हो। अगर आपके फोटो में थोड़ा बहुत ब्राइटनेस कम हो, इधर से अगर आप लाइट एडजस्ट करोगे ना वो फोटो चांद की तरह चमकेगा, ये पॉइंट मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, ठीक है? लाइट ऑन पर जाकर मैंने लाइट ऑन कर दिया, इस फोटो में ऑलरेडी लाइट ठीक है, जिस वजह से उतना ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है? अभी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, इस ऐप से और भी आप क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि इस ऐप्स में अगर आपकी कुछ भी फोटो है ना, अगर आप फोन से भी फोटोज क्लिक करते हो, एक फोन से आपने फोटोज क्लिक किया, नॉर्मल फोटो है, उस फोटो को आप प्रोफेशनल लेवल बना सकते हो, वो भी इस ऐप से 2-3 सेकंड में, ठीक है? वो कैसे मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको रिटर्स से फोटो नहीं लेना, इधर से लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर से आपको डायरेक्ट फोटो ऐड कर लेना है, इधर से आप डायरेक्ट फोटो ऐड कर सकते हो। ओके, वही फोटो मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया। अभी देखो इधर से अगर आप फोटो को ऐड करते हो ना, वो फोटो स्कैनिंग होगा, ऐसे स्कैनिंग होकर इसका जो बैकग्राउंड है ये पूरा रिमूव कर देगा। देखो हमारे लिए जो दिक्कत वाली पॉइंट है ना, यही है कि बैकग्राउंड रिमूव करने में बहुत दिक्कत है। पहले के जमाना था जब मैं घिस घिस के बैकग्राउंड को रिमूव करता था, लेकिन आज का टाइम पे इतना एडवांस हो चुका है कि AI के थ्रू एंड Adobe बैकग्राउंड रिमूव के थ्रू वो उस वेबसाइट से एंड इस ऐप से बहुत ही इजीली आप बैकग्राउंड को एकदम शानदार तरीके से रिमूव कर सकते हो। देखो आज का टाइम कितना एडवांस हो चुका है, पहले हम कितना घिस घिस के रिमूव करते थे, ठीक है? देखो ये फोटो इधर से सिलेक्ट करने के बाद ही आपका फोटो में जितने भी टेम्पलेट है वो सब अप्लाई हो चुका है। देखो इधर आप देखो, इधर जितने भी आप टेम्पलेट देख सकते हो ना, सब अप्लाई हो चुका है। इधर देखो प्रोफाइल पिक्स, मैंने आपको बोला ना अगर आपकी क्रश की बर्थडे है ना तो आप एक सेकंड में बर्थडे फोटो एडिटिंग कर सकते हो। देखो इधर बर्थडे फोटो हो चुका है, उस फोटो पे बस क्लिक करना है, क्लिक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। देखो इधर जो बैलून है ना, ये बैलून को आप चेंज करके थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसे, एंड आपका जो सब्जेक्ट है जो आप हो वो भी आप टैप करके, एंड जो बर्थडे टेक्स है ये भी ऊपर नीचे कर सकते हो, एंड आपको भी आप ऐसे टैप करके थोड़ा जूम करके ठीक तरीके से ऐसे सेट कर सकते हो, ठीक है? ऐसे सेट करने के बाद ही पीछे अगर आपको शेडो चाहिए तो शेडो डाल सकते हो इधर से, ठीक है? शेडो अभी मैंने कैंसिल कर दिया, एंड एडजस्ट भी कर सकते हो एडजस्ट पर क्लिक करके। ओके, इतना सब आपको इधर से मिल जाता है, और आप चाहो तो ये सब डन करके इधर से आप रिप्लेस कर सकते हो। इधर लेयर पे क्लिक करके, देखो लेयर पे क्लिक करके मैं ये सब पॉइंट बस एक बार क्लियर कर दूंगा, जिससे हर एक फोटो में सेम प्रोसेस है, हर एक जो टेम्पलेट यूज करोगे सेम प्रोसेस है, ऐसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? देखो लेयर पे क्लिक करके, लेयर पर क्लिक करने के बाद ही इधर आपको बर्थडे टेक्स्ट दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है, एंड जो बैलून है
पर्सन है, बैकग्राउंड है। अगर आप बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड पर क्लिक करके आपको बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब बैकग्राउंड पर क्लिक करके बैकग्राउंड को अलग अलग सेंस बैकग्राउंड पर क्लिक करना है एंड आपको बहुत बैकग्राउंड मिल जाएगा। कलरफुल पर जा सकते हो, कलरफुल पर अगर जाओगे तो इधर आप कलर सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा आपको कलर सही है ऐसे आप कलर ले सकते हो। देखो बढ़िया है, ये कलर भी बढ़िया लग रहा है ना, कलर गया, कलर चेंज करके। और आप चाहो तो वो जो फोटोस बैकग्राउंड है ना, अलग अलग फोटोस टाइप बैकग्राउंड भी ले सकते हो। इधर आप देख सकते हो, इधर कुछ हट का बैकग्राउंड है भाई, ये खुफिया टाइप बैकग्राउंड दिख रहा है ये। ओ भाई ये सब क्या है, ये तो कुछ अलग ही सीन लग रहा है। तो ये देखते हैं, ये थोड़ा मज़ा लग रहा है भाई, ये भी ठीक है। देखो ऐसा बैकग्राउंड लेके आप बना सकते हो। ओके 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 ओके, ये बैकग्राउंड भी ख़राब नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है। ओके डन कर देता हूँ, देखो ऐसे आप बना सकते हो। ओके मैं अभी बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद और भी जो भी फीचर्स है वो मैं देखता हूँ। देखो अगर आप प्रोफेशनल डीपी बनाना चाहते हो ना, तो डीपी के लिए ये ऐप एकदम बेस्ट है, क्योंकि आप हर एक डीपी बना सकते हो। बस डीपी पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से एडजस्ट करना। देखो क्लिक करके फोटोज़ को सेव नहीं करना, अब बस सब्जेक्ट क्लिक करके ऐसे आप सेट करके एकदम बढ़िया से डीपी को ऐसे सेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे ए डीपी लगाते हो ना तो एकदम प्रोफेशनल लगेगा आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो ऐसे आप डीपी बना सकते हो। एंड नेक्स्ट, अगर आप यूट्यूब अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थंबनेल बनाना बहुत मुश्किल लग रहा होगा, तो इसमें आप इजीली थंबनेल बना सकते हो। तो भाई ये ऐप थंबनेल के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मैं जस्ट यूट्यूब सर्च किया, यूट्यूब सर्च करने के बाद इधर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बढ़िया थंबनेल आ चुका है। एंड आप इधर देख सकते हो ये वाला बहुत ही बेस्ट है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा है ये वाला जो थंबनेल है ना, एकदम परफेक्ट है, शानदार लग रहा है। और भी बहुत है, आप एक एक करके चेक कर सकते हो। अभी अभी अगर आप YouTube स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए ये ऐप एकदम बेस्ट है भाई। इस ऐप में अगर आप Lightroom की तरह एडिटिंग करने जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन आप इसमें बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो, बहुत ही शानदार होता है। और भी चीज़ आप PNG ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट PNG, ये सब आपको एकदम फ्री में मिल रहा है। एंड साथ ही साथ आप थंबनेल बना सकते हो, प्रोफाइल फोटोज बना सकते हो, बस इतना ही होता है। तो भाई अगर आपको और भी ऐप्स के बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो ऐप्स नेम आप कमेंट कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी एकदम डिटेल में बताऊंगा। और आज का वीडियो अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और इस चैनल में अगर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं ऐसी और एक वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।